हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं, बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा होती है। बहुत सारी प्रतिमाएं स्थापित की जाती है, जितने विद्यार्थी होते हैं वो उनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, जो सरस्वती पूजा का उत्सव होता है वो हर गली मोहल्ले में छोटे बड़े हर तरीके से मनाया जाता है, हर तरीके से प्रतिमा स्थापित की जाती है। कुछ छोटे होते कुछ बड़े होते हैं, तो वैसे ही हमारे यहाँ सरस्वती माँ की पूजा की गई है। कुछ बड़े पंडाल बनाए गए हैं, उनमें से कुछ को मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपको ले चलने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कितना अच्छा पंडाल बना है यहाँ पे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, बिना देर के मैं आपको लेके चलता हूँ सरस्वती पूजा के पंडाल। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. दोस्तों, अभी हम आए हैं वॉच एंड वाट कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी है। यहाँ का जो सरस्वती पूजा होता है वो बहुत ही बड़े स्तर पर होता है। आप भीड़ देख के समझ रहे होंगे, यहाँ की लाइटिंग और यहाँ का डेकोरेशन बहुत ही अच्छे होते हैं। आपको ये देख के लग नहीं होगा कि ये सरस्वती पूजा का भीड़ है, ये मेला है। इतनी भीड़ तो दुर्गा पूजा में होती है, कितनी भीड़ सरस्वती पूजा में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ मेले लगे हुए, अलग अलग झूले लगे हुए बच्चों के, बहुत सारे स्टॉल लगे हुए जो अलग अलग तरह के सामान बेच रहे हैं। और भीड़ देखिए भाई साहब, पैदल चलना मुश्किल है, इतनी भीड़ है यहाँ। ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आगे जाके एक लोको टैंक है जहाँ से वाटर सप्लाई होती है रेलवे स्टेशन में और रेलवे क्वार्टरों में, उन्हीं के बीच में माँ सरस्वती को स्थापित किया जाता है, उनका पंडाल बनाया जाता है बीच तालाब में। और उसका जो लाइटिंग होता है, डेकोरेशन होता है, वो भाई साहब बहुत अच्छा है। आप देखते जाइए कितनी भीड़ है यहाँ पर। आप विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे कि सरस्वती पूजा की भीड़ है। ऐसे तो सरस्वती पूजा बहुत छोटे स्तर पर गली मोहल्लों में होती है, छोटे छोटे बच्चे करते हैं। कुछ पूजा बहुत बड़े स्तर पर होता है, जिनमें से एक ही है लोको टैंक का। सिर्फ सर ही सर दिख रहा है दूर दूर तक। लाखों रुपए खर्च होते हैं इस पूजा में। ये सारे कॉलोनी वाले चंदा इकट्ठा करके आपस में वो करते हैं पूजा। ये देखिए वैसे इस तालाब में, ये लोको टैंक है, पप्पू तालाब भी बोला जाता है इसका। धनबाद रेलवे स्टेशन के यार्ड के बगल में है, यहीं से सारा पानी सप्लाई होता है। और इन्हीं के बीच में माँ सरस्वती को विराजमान किया गया। ये देखिए भीड़ और ये देखिए लाइटिंग, कितनी अच्छी लाइटिंग है इधर। कुछ लोग इसी में बड़ी गाड़ियां लेके घुस जाते हैं और जाम लगा देते हैं। ये लाइटिंग देखिए, इतनी तेज लाइटिंग है कि अच्छे से वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है मूर्ति। लेजर लाइट, लेजर शो किया गया है। आप देख पा रहे हो कि मूर्ति बिल्कुल नहीं, इतना जूम करने के बाद भी अच्छे से नहीं दिख रहा है, इतनी ज्यादा तेज लाइटिंग है। कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से आ जाए, मगर वो नहीं आ पा रहा है। ये मेला लगभग 3 दिन चलता है और बहुत ज्यादा भीड़ होती है इस मेले में 3 दिन। इसी तरह से कचाकच भरा रहता है पूरा मेला, बच्चे बूढ़े बड़े जितने भी लोग हैं, औरतें बच्चे सब कोई आते हैं मेला देखने के लिए आसपास।
रात 11-12 बजे तक इसी तरह का मेला लगा रहेगा, इसी तरह का भीड़ लगा रहेगा। एक और सरस्वती पूजा होती है बगल में, और इसी तरह से वो इससे भी बड़े पैमाने पे होता है, अच्छा पंडाल बनाया जाता है। तो मैं चलता हूँ आपको लेके वही। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं झारखंड मैदान, जो कि हीरापुर में है। अभी मैंने जो पूजा पंडाल दिखाया था उससे लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े स्तर पर सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। अब देख पा रहे हो इसका पंडाल, ये बिल्कुल दुर्गा पूजा को टक्कर देने वाला पंडाल है। बहुत बड़ा, बहुत अच्छे से बनाया गया है। DFC झारखंड मैदान डेकोरेशन भाई साहब बहुत अच्छा होता है इसका। यहाँ पर भी मेला लगा हुआ है, झूले लगे हुए और बहुत भीड़ है लोगों की। चलिए अंदर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर दुर्गा पूजा भी बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। बहुत ही भव्य पंडाल बनाया जाता है और धनबाद में इसकी रैंकिंग होती है 1 या 2 नंबर पे। सरस्वती का भी नंबर 1 है, इतना बड़ा पंडाल होने के बाद।